गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल दी मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। अभी बज रहे हैं 11 एंड मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मुझे ना, मैंने दिविशा को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया, अभी मुझे उसको बाथ देना है। तो अभी मैंने उसको डायपर फ्री टाइम दिया हुआ है, वो यहाँ पे ऐसे खेल रही है। एंड अभी उसके बाद ना उसको नहला के सुला दूंगी, उसके बाद ना मैं खुद जल्दी से नहाऊंगी। देखो फ़ोन देखा तो उसको फ़ोन चाहिए है ना, फ़ोन चाहिए ना। और उसके बाद फिर गणपति डेकोरेशन की तैयारी करनी है। तो हम लोगों ने गणपति के लिए जो रिंग डेकोरेशन करना, वो रिंग ऑलरेडी बना के रखा था, तो चलो मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ कैसा रिंग बनाया है। एंड उसके बाद आफ्टरनून में सारे डेकोरेशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल पप्पा सुबह आ जाएंगे तो कल सुबह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना भी प्रिपरेशन करना वो सब आज ही करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इसको नहलाती हूँ, इसको सुलाती हूँ, एंड उसके बाद ना तैयारी वगैरह का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने पाइप लाया था मार्केट से, मोटा वाला, हार्ड वाला, एंड उसको ना नीचे सीमेंट डाल के रख के ऐसा रिंग बनाया। मैंने इसका यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था तो मुझे पसंद आया था, बट ये भी ना ठीक से होल्ड नहीं पा रहा एंड सीमेंट भी गीला है ना, तो इसलिए हमने ना उसको ऊपर इस तरीके से थ्रेड में बांध के रखा। लेट्स सी ये बन पाता है या नहीं। तो हमारा जो हमने रिंग बनाया था ना, एक्चुअली उसमें गड़बड़ हो गई, वो ना बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाया है। तो अभी हमारे डेकोरेशन के प्लान में चेंज हो गया, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो पाइप उसमें। तो अभी लास्ट मिनट पे हमको प्लान चेंज करना पड़ रहा है। हमारे पास एक छोटा सा बेबी, तो हम ज़्यादा तामझाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिविशा ना ज़्यादा दिन में सोती नहीं है, तो इतना टाइम भी नहीं बचा है कि अभी कुछ दूसरा प्लान करें। तो अभी हम ना शॉप पर आए हैं, ये शॉप पर रुको मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरीके से पाइप वाले स्टैंड हैं, तो हम सोच रहे थे कि पीछे कुछ एटलीस्ट बैकड्रॉप जैसा लगाने के लिए बनवा लें। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, देखते हैं अगर ये बना के तुरंत से मिल जाएगा तो हम इसको हाँ, क्योंकि फिर घर जाके ना डेकोरेशन भी करना, उतना टाइम भी नहीं बचा है कि अब कुछ नया, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ सोचें। तो अभी हम सोचे कि इस बार सिंपल ही कर लेते हैं। वैसे भी मेरा प्लान तो था कि बेबी है इस बार तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कर नहीं पाएंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा उतना। तो अभी हम ये वाला ही ऐसा सिंपल सा एक स्टैंड ले रहे हैं बैक साइड के लिए, तो वो लेके फिर घर जाएंगे, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। तो अभी दिव्या को सुला के आई हूँ, मैं गणपति का जो डेकोरेशन है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने ना, मेरे पास एक बहुत पुराना ड्रेस का मटेरियल है, जो मैंने ना आई थिंक 5-6 ईयर बैक लिया हुआ था ड्रेस स्टिच करवाने के लिए, बट ड्रेस तो स्टिच हुआ नहीं, तो ये नया ही रखा हुआ था। तो सोचा चलो गणपति बप्पा के लिए इस बार डेकोरेशन में इसको यूज़ कर लेते, तो इसको मैंने टेबल पर बिछा दिया, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कलरफुल यूज़ किया ना तो अच्छा भी लगता है। पहले मैंने इसको सेटअप लगा दिया। एंड ये है वो स्टैंड जो हम बनवा के लाए थे, तो हमने सिर्फ बैक साइड के लिए स्टैंड बनवाया था। तो इसको यहाँ पे ऐसे मैं पहले लगा के देख ले रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अब इसके बाद इसमें डेकोरेशन करना स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास ना लास्ट ईयर वाले डेकोरेशन के फैब्रिक रखे हुए थे, तो ये वाले फैब्रिक को यूज़ करके कुछ तो डेकोरेट करेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले पाइप पे ही फैब्रिक लपेट देती हूँ, तो मैंने फटाफट से ना जो पाइप है उस पर ही फैब्रिक को लपेटना पहले स्टार्ट कर लिया। जब डेकोरेशन कुछ माइंड में सोचते हैं या पिक में देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ईजी है, तो एक हाथ का काम है, फटाफट से हो जाएगा, बट जब करने बैठते हैं ना खुद से तो समझ में आता है कि कितने टाइम टेकिंग काम होते हैं ये। एंड विद द स्मॉल बेबी ना इतनी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं। तो अच्छा हुआ हमने कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा डेकोरेशन का प्लान इस बार नहीं किया था, क्योंकि दिविशा इस बार बहुत छोटी है तो ये सब हो नहीं पाएगा मैनेज। रवि का ना आज ऑफिस एक्चुअली घर से ही काम है, वर्क फ्रॉम होम है, बट एक्चुअली उसके कॉल्स वगैरह ना काफ़ी होते रहते बीच बीच में, इसलिए वो ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पा रहे, इसलिए सारी चीज़ें जो है ना मुझे वो अकेले ही हैंडल करनी पड़ रही है। बट जैसे जैसे रवि को बीच में टाइम मिलता है ना तो आके थोड़ा थोड़ा मेरे को हेल्प कर लेते हैं। तो बस उसके बाद ये मैंने इस पर ना जो पत्ते रखे हुए थे हमारे पास ग्रीन वाले, वो लपेटने स्टार्ट किए। रवि को देखो बीच में आ गए रील बनाने के लिए, मैंने रवि को बोला था कि एक रील शूट कर लो। अभी फटाफट से ना ये वाले पत्ते जो है ना वो रोटेट करने, एक्चुअली बार बार रोटेट करने वाली चीज़ों में ना थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, बार बार अटकती हैं, तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी ये ना हमारे पास बीड्स रखे थे, तो हमने सोचा कि ये ऊपर वाले पाइप पे लपेट देते हैं पूरे गोल्डन कलर के बीड्स, तो लुक अच्छा आएगा। तो अभी मैंने इनको लपेटना स्टार्ट कर लिया है इस पे पाइप पे। तो दिविशा सो के उठ गई थी, तो मैंने रवि को भी काम पे लगा लिया है। एंड रवि का बीच में कॉल आ गया तो रवि को जाना पड़ गया। अब मैं दिविशा को ना एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि वो ना थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी अभी जस्ट सो के उठी हुई है, तो मैं बस उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको मैट पे भी रखा ना तो खेल नहीं रही थी, बोर हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको ना थोड़ा सा इस तरीके से एंटरटेन करती हूँ नई नई चीज़ें दिखा के, तो उसको अच्छा लगेगा। आजकल वैसे दिविशा का ना बहुत ज़्यादा फोकस मोबाइल पर रहने लग गया है, जैसे वो देखती ना कि कैमरा लगा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए तो वो उधर देखने लग जाती है। तो ये मैं उसको अलग अलग चीज़ें दिखा के ना थोड़ा सा उसका मन बहला रही थी।
वापस से दिव्या को खेलने के लिए छोड़ा एंड मैं आ गई वापस अपना डेकोरेशन करने के लिए। जो बीड्स है ना ये लगाने में मेरी तो बैंड बज गई, क्योंकि ये ना एक बीड्स को लगा और दूसरा बीड्स निकल के आ जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी एंड बैक में पेन भी होने लग गया था इतनी देर से ये वाला काम करते करते। एंड क्या हुआ ना, इसी टाइम पर रवि का एक घंटे का कॉल आ गया, तो रवि अपने कॉल में बिजी हो गए एंड मेरी यहाँ पर बज गई बहुत ज़्यादा बैंड। तो इन्हें लगा लगा के ना मैं तो हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि ये ना बार बार निकल निकल के गिर रहे थे। फिर मैंने सोचा कुछ तो जुगाड़ करूँ, पहले मैंने सोचा कि मैं ग्लूगन यूज़ कर लूँ, बट फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने उठाया डबल साइडेड टेप एंड उससे से आराम से चिपका दिया। अब सारे बीड्स एकदम अच्छे से सेट हो गए। अभी हमारे पास ना बेल्स रखी हुई थी गोल्डन कलर की, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ यूज़ किया जाए डेकोरेशन में। अभी मैं सोच ही रही थी कि इसको कैसे लगाया जाए यहाँ पे, मैं अभी बस लगा लगा के देख रही थी। एंड अभी मैं आ गई दिव्या को वापस से सुला के, तो यहाँ पे हमने ये जो फोम वाला डेकोरेशन के लिए एक पार्ट लाया था उस पर मैं ना यहाँ पे फ्लावर लगा के देख रही हूँ कि कैसा लुक आएगा। तो अभी हम जब जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों में, फिर अगर ऐसा लगेगा कि अच्छा लग रहा है तो हम उसको सेटअप में यूज़ कर लेंगे। तो अभी मैं ना ये सारे फ्लावर्स लगाती हूँ। ये फ्लावर्स ना हमने फर्स्ट ईयर के डेकोरेशन में यूज़ किए हुए थे जो हमारे पास रखे हुए थे, मैंने सोचा कि चलो इस बार ना उन फ्लावर्स का ही वापस से यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने बहुत प्यारा सा इस तरीके से ये एक डेकोरेशन बना लिया, यानी बहुत क्यूट भी लग रहा था कलरफुल सा, तो ये हमने ऐसे लगा दिया। एंड बाद में फाइनल इसमें लाइट्स भी लगा दी, तो ये रहा हमारा ओवरऑल फाइनल डेकोरेशन का लुक। तो अभी इतना ही सिंपल ही डेकोरेशन रखा है इस बार, इस बार बहुत ज़्यादा करने के लिए वक्त भी नहीं था एंड बेबी के हिसाब से कर भी नहीं पाते थे, बट स्टिल दिस डेकोरेशन इज़ लुकिंग गुड। तो आप लोगों को हमारा ये डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलो डेकोरेशन पार्ट इज डन, अब मैं जाती हूँ रूम में। तो अभी गणपति डेकोरेशन की जो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन है वो बहुत हद तक हो चुकी है। तो अभी मुझे ना ये वाला काम बहुत दिनों से करना था, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगी ना तो ये बाद में मुझे फिर रिग्रेट फील होगा। तो मुझे एक्चुअली चेक करना है कि दिव्या के कौन कौन से ऐसे क्लोथ्स हैं जो अब उसको एज में आने लगे हैं, तो बच्चों के साथ ना ये एक चीज़ भी करनी पड़ती है बार बार, मतलब ये अपने साथ नहीं होता क्योंकि हमारे क्लोथ कभी भी हमको छोटे बड़े ऐसे कुछ नहीं होंगे, बट बेबी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं ना तो उनके जो क्लोथ्स हैं ना उनको छोटे होने लगते हैं। तो दिव्या के बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो उसको कई तो गिफ्टेड वाले कपड़े हैं, देन कई कुछ कुछ क्लोथ्स हैं जो मैंने भी लिए हुए थे, तो वो मुझे एक बार सारे निकाल के चेकआउट करने की कौन कौन से उसको अब आने लग गए हैं, तो वो सारे मैं वॉश आउट करके उसको पहनाने के लिए निकाल लूँगी। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने क्लोथ्स रखे रहने दिए इस सोच में कि थोड़े दिन के बाद आएंगे, बट जब मैंने ट्राई किया तो वो क्लोथ्स उसको नहीं आ रहे थे, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेट्स जो मैंने मंगाया था वो मैं उसको पहना ही नहीं पाई। तो अभी इसलिए ना मैं फटाफट से ना जो जितने भी सारे क्लोथ्स हैं वो एक बार निकाल के उसके जो न्यू वाले हैं वो चेकआउट कर लेती हूँ कि अभी कौन कौन से ऐसे जो ड्रेसेस है वो उसको आने लग गए हैं, तो मैं उसको ना ये फटाफट से ना पहनाने लग जाऊँ। तो अभी मैं उसके सारे जो क्लोथ्स हैं ना वो निकाल के बैठ गई हूँ, तो मैं एक एक करके ना चेकआउट कर लेती हूँ कि अभी कौन कौन से आ जाएंगे। क्योंकि एक तो दिव्या को ना एक साइज बड़े क्लोथ्स आ रहे हैं, जैसे अभी वो 8 मंथ की है ना, तो उसको जो 9 to 12 मंथ वाले क्लोथ्स हैं ना वो आराम से आ रहे हैं। ये मैंने एक उसके लिए वन सीज लिया हुआ था, ये बहुत क्यूट सा था, तो ये वाला आई थिंक अब उसको आ जाएगा, मुझे पहनाना चालू कर देना चाहिए वरना ये छोटा हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सा यूनिकॉर्न थीम का है, तो ये एक लिया था मैंने। देन ये अभी उसको गिफ्ट में मिले थे, ये उसको मामी ने दिए थे उसकी, तो ये सारे तो फ्रॉक्स हैं, ये आई थिंक उसको नेक्स्ट मंथ से आ जाएंगे। तो ये वाला भी बहुत क्यूट सा, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। देन ये वाले, ये तो सारे जो हैं शायद से ना ये इसको आ जाएंगे अगले महीने तक आ जाएंगे। लेकिन इसको ये एक हमारे एक नेबर ने उसको ये फ्रॉक गिफ्ट की थी, ये वाली भी आई थिंक अब इसको आने लग जाएगी, तो मैं इसको भी वॉश कर लूँगी। लेकिन ये कुछ इसके ना टॉप्स हैं, आई थिंक ये भी इसको अब आ जाएंगे, क्योंकि ये कॉटन है तो बाद में तकलीफ देंगे आने में, आई थिंक ये मुझे अभी पहनाने पड़ेंगे। तो ये ना इस तरीके से दो हैं आई थिंक, ये अभी मुझे दिख नहीं रहे, बट ये वाले भी ना दो से, हाँ ये है एक, ये वाला अगेन ये सेम पैटर्न में दो हैं, तो आई थिंक ये भी अब इसको आ जाएंगे। देन ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा है, ये वाला तो मैंने उस दिन पहनाया था बट ये हल्का सा भी लूज आ रहा था, बट ये भी अभी शायद उसको आ जाएगा। देन एक ये है डंगरी पैटर्न वाला है, आई थिंक ये भी अब उसको आ जाएगा, हाँ ये भी शायद उसको अब आ जाएगा, तो ये डंगरी पैटर्न में है। देन मैंने ना उसके लिए ये वाला सेट मंगाया था, ये तो मैंने मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कौन से साइज़ में है, ये भी 9 to 12 मंथ में है। ओके
सो आई थिंक ये वाला भी उसको अगले महीने से आ जाएगा। ये वाला बहुत क्यूट सा है, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो ये काम भी बच्चों के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चेक करोगे ना, थोड़े दिन के बाद चेक करोगे ना, तो कपड़े छोटे हो जाते हैं। लाइक आपने 10 दिन पहले चेक किए तो आ नहीं रहे थे, एंड 10-15 दिन बाद चेक करोगे ना, तो कपड़े कई बार ऐसा होता है ना कि पहले लग रहा था बड़े हो रहे, अब लग रहा है कि आ ही नहीं रहे, एकदम टाइट हो रहे। बच्चों को ना टाइट कपड़े कब पसंद नहीं आते, उनको कम्फर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको थोड़े थोड़े से लूज कपड़े पहना दूँ। तो ये मेरे लिए ना टास्क रहता, मैं बीच बीच में चेकआउट करती रहती हूँ। इनफैक्ट उसके कुछ शू भी रखे हुए हैं जो मैं बीच बीच में ट्राई करती रहती हूँ कि अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे, तो ये भी करना पड़ता है। तो अभी चलो फटाफट से ना, जो भी मुझे लग रहा है कि जो भी अब उसको ना ड्रेसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये वाला भी एक है, ये बहुत क्यूट सा, ये मैंने हॉपस्कॉच से लिया था। तो ये ना इस तरीके का वाइट कलर का है, जिसके साथ में ना नीचे इस तरीके से ना ये पिंक कलर का पैंट है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत क्यूट सा है, तो ये वाला भी अब उसको आ जाएगा। तो ये सारे मैं ना जिस दिन भी अभी 1-2 दिन में मौसम खुलेगा ना, तो मैं सारे वॉश आउट करके रख लूँगी और फिर उसको फटाफट से ना ये सारा पहनाना स्टार्ट करूँगी। देखो अभी ये कितनी मस्ती करने लग गई यहाँ पे, ये मैं जो पिलो लगा के रखे ना उनको ऐसे निकाल लेती। देखो जैसे देखा कि मम्मा ने कुछ बोला तो मम्मा की तरफ पलट गए, है ना, मम्मा की तरफ पलट गए। हाँ ये देखो, इनको आना है यहाँ पे। ये ना सारे पिलोस आजकल ऐसे निकाल देती है, तो थोड़ा सा रिस्क लगता है, बार बार पिलोस लगाने पड़ते हैं, है ना। मस्ती कर रहे थे ना आप। मैंने ना दिविशा के लिए 2 ड्रेस स्टिच करवाए हैं, एथनिक ड्रेस। एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि फर्स्ट गणपति पे ना उसको कुछ एथनिक पहनाऊं। मैंने फर्स्ट क्राई वगैरह पे ऑप्शंस देखे थे, पर ज़्यादा ऑप्शन मिल नहीं रहे थे इसके साइज में, एंड जो मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। इतने एज की बेबी ना ज़्यादा दिन वो ड्रेसेस पहन नहीं पाते, क्योंकि घर में तो एथनिक ड्रेसेस पहना नहीं सकते, एंड फिर वो इतने कॉस्टली लो 1200-1500 रुपये के, एंड वो फिर वेस्ट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि वो बस इसमें कबोर्ड में पड़े ही रहते हैं। इसके 1-2 ड्रेसेस हैं जो अभी भी बस ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैंने ना इसके लिए 2 ड्रेस स्टिच करवाए हैं। तो ये रवि की मामी है, वो स्टिच करती है। तो मैंने अपनी कुर्ती देखी, कुर्ती मैंने कभी नहीं पहनी थी, तो ये बहुत ही क्यूट सा इसके लिए ड्रेस स्टिच करवाया है। तो ये देखो, ये इस तरीके से ना बेटा बेटा, तो ये ना रानी पिंक कलर का है, एंड ऊपर ना ऑरेंज कलर का इस तरीके से पैच था कुर्ती में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा उन्होंने ड्रेस बना के दिया है इसके लिए। 2-3 कपड़े दिए थे, तो उन्होंने 2 बना के दिए हैं। ये वाला ना इस तरीके से बेज कलर में है, पूरा एम्ब्रॉयडरी, नीचे ऐसी बॉर्डर है। ये भी मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस था, जो मैंने 1 या 2 बार हार्डली पहना था, कभी पहना ही नहीं। तो ये वाला भी काफ़ी क्यूट सा है, तो मैं सोचती हूँ कि इसको ना गणपति पे ये वाला पहना दूँ, ये काफ़ी प्यारा लगेगा। एंड कलर भी इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, देखो इनको चाहिए। तो ये फाइनली मैं जो चाह रही थी कि इसको कुछ एथनिक पहना दूँ, तो वो हो पाएगा पूरा। तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आपके पास भी ना ऐसे कुछ लोग हैं जो स्टिच कर देते हैं ना, तो उसमें ना काफ़ी अफोर्डेबल रेट में बीके ड्रेसेस मिल जाते, क्योंकि इस तरीके के सेम ड्रेसेस ना एथनिक वाले ऑनलाइन अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो ये इस तरीके से ना बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है। तो अब दिव्या को हम गणपति पे ये क्यूट सा ड्रेस पहनाने वाले हैं ना। सो गाइस, दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। ये ड्रेस दिविशा कल पहनेगी, फिर मैं आप लोगों को दिविशा के जो पिक्चर्स वगैरह है वो शेयर करूंगी। आप देख सकते हो, आप उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे उसके रील्स भी जाके देख सकते हो, जहाँ मैं उसके बहुत क्यूट क्यूट से रील्स अपलोड करती हूँ, है ना दिविशा। दिविशा बहुत मस्ती करती है अपने रील्स में। तो बस दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हमारा गणपति का डेकोरेशन आपको कैसा लगा वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। दिविशा के ड्रेसेस कैसे लगे वो भी कॉमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जल्दी सोएंगी क्योंकि कल जल्दी उठना है, गणपति बप्पा को घर लेके आना है। तो बस जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट, से गुड नाइट एवरीवन। गणपति बप्पा मोरिया।